हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोलकाता एयरपोर्ट को लेकर जी हाँ दोस्तों यहाँ पर कोलकाता एयरपोर्ट पर भी अब नए क्वारंटीन के नियम आ गए हैं जैसे कि यहाँ पर भारत सरकार ने 23 फरवरी से जो नए नियम लागू किए हैं उसके अनुसार अब जो लोग भी कोलकाता एयरपोर्ट के लिए ट्रैवल करने वाले हैं उन सभी लोगों को यहाँ पर इन नए नियमों के साथ ही ट्रैवल करना पड़ेगा क्या है यह नया नियम हम अभी आगे इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानने वाले हैं उससे पहले फ्रेंड्स यदि आपने इंडियन फ्लाइंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें तो फ्रेंड्स यहां पर बात कर लेते हैं कि इसको लेकर क्या अपडेट आ रही है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें कि जो भारत सरकार ने नियम जारी किए हैं उसमें आप जितने भी पैसेंजर्स हैं मतलब कि यदि आप दुनिया के किसी भी देश से ट्रैवल करके आते हैं कोलकाता एयरपोर्ट पर तो आपको अपने ट्रैवल से तीन दिन पहले अपने कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट और इसके साथ साथ आपको अपने हेल्थ डिक्लेरेशन जो है न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड करना पड़ेगा जी जी हाँ दोस्तों ये जो नियम है सभी देशों के लिए सेम है और इसके साथ साथ सभी एयरपोर्टों के ऊपर ये नियम लागू होता है चाहे आप किसी भी एयरपोर्ट पर आते हैं लेकिन यहाँ पर हम आज के इस वीडियो में कोलकाता एयरपोर्ट को लेकर बात करने वाले हैं तो यदि आप कोलकाता एयरपोर्ट पर भी आते हैं तो भी आपको यहाँ पर ये दोनों काम करने पड़ेंगे यदि आप ये दोनों काम नहीं करेंगे तो आपको जो है एयरलाइंस कंपनी फ्लाइट में नहीं बैठने देगी जी हाँ दोस्तों यहाँ पर जो लेटेस्ट जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके अनुसार यहाँ पर सभी पैसेंजर्स को अपने कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट न्यू दिल्ली एयरपोर्ट की वेबसाइट पर डालना है और इसके साथ साथ उनको अपना हेल्थ डिक्लेरेशन भी सबमिट करना है इसके अलावा बात करें भारत पहुंचने के बाद आपके साथ क्या होने वाला है तो जैसे ही यदि आप ये दोनों काम कर लेते हैं और आप भारत में आते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका पहले से कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट है और आपने अपनी सारी डिटेल पहले से डाली हुई है तो जैसे ही आप एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे कोलकाता एयरपोर्ट पर तो वहाँ पर एयरपोर्ट अधिकारियों के द्वारा आपकी जो डिटेल है वो वेरीफाई कर ली जाएगी कि आपने जो है सारे काम कर लिए हैं आपको जरूरी ये रहेगा कि आप अपने साथ कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट का प्रिंटआउट लेकर और इसके साथ साथ जो आपने हेल्थ डिक्लेरेशन सबमिट किया था उसका एक रेफरेंस नंबर अपने साथ जरूर ले लें जिससे कि आप एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आप वो रेफरेंस नंबर उनको बता सकते हैं इसके साथ साथ कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट भी आप उनको दिखा सकते हैं कि आपने ये अभी हाल ही में तीन दिन पहले जो है कोरोना का रिपोर्ट कराया है आपको बता दें कि बहत्तर घंटे पहले का ही कोरोना का रिपोर्ट वैलिड रहेगा तो आप ये ध्यान रखना कि कोरोना का जो रिपोर्ट है वो बहत्तर घंटे से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें किसी पैसेंजर्स का क्वारंटीन हो रहा है या नहीं हो रहा है कोलकाता एयरपोर्ट पर जो है किसी भी पैसेंजर्स का क्वारंटीन नहीं हो रहा है चाहे आप दुनिया के किसी भी देश से आ रहे हों आपका जो है क्वारंटीन नहीं किया जाएगा आप जो है सीधे अपने घर जा सकते हैं और घर पर ही आपको जो है चौदह दिन होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा तो फ्रेंड्स ये थी कोलकाता एयरपोर्ट को लेकर एक जरूरी जानकारी यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है काम की लगी है तो दूसरे लोगों को शेयर कर सकते हैं इस चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेलाइकन जरूर दबा दें